हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं यूजीसी एनटीए नेट जो जून 2023 बैच है, उसमें जो क्वालिफाई विद्यार्थी हैं उनको ढेर सारी बधाई और उनकी सक्सेस की स्टोरी को जानने के लिए कि आखिर उन्होंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा कि आज जाकर के इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल इस सक्सेस स्टोरी को बताने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि बहुत सारे सवाल आपके मन में खड़े होते हैं कि सर मेरी ये कंडीशन है, ये बात है, मैंने ये पढ़ा है, ये लिखा है, मैं इतने दिन से लगा हूं तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे सवालों का जवाब जो है इस सक्सेस स्टोरी में मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के। ठीक है, तो आइए हम लोग वन टू वन करके बिना समय गंवाए हुए देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे यहाँ पर आकांक्षा जी का, और आकांक्षा जी की स्टोरी में सबसे बड़ी बात रही है कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा कि बीकॉम, ये बीकॉम की छात्रा रही हैं छात्रों, और बीकॉम और एमकॉम करने के बाद में, बीकॉम और एमकॉम करने के बाद में फिर जो है इन्होंने पीजी किया हुआ सोशियोलॉजी से। ठीक है, पीजी किया सोशियोलॉजी से, उसके बाद में फर्स्ट राउंड में इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था। मतलब पहली बार आई छात्रा ने पूछा कि सर मतलब कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इनको ये बताया गया कि जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं, यानी लगभग मान के चलिए कि लगभग 160 लेक्चर के आसपास में आपको पूरा पूरा पढ़ना है सोशियोलॉजी के अंदर में, और तकरीबन 100 लेक्चर के आसपास में आपको पढ़ना है, यानी 260 लेक्चर के आसपास में अगर आप तैयारी कर लेती हैं और इसकी टेस्ट सीरीज को दे लेती हैं, ठीक है, तो आपका ये काम हो जाएगा। और विश्वास मानिए इन्होंने इसी पैटर्न किया और फर्स्ट राउंड के अंदर में, यानी 4 मंथ इन्होंने पढ़ाई किया और उसके बाद 1 मंथ में जो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर करके और पहले राउंड में क्वालिफाई करने वाली नेट की छात्राएं, लेकिन लगातार रही, बनी रही, जेआरएफ के लिए प्रयासरत थी, वर्तमान में जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही है, जेआरएफ के लिए रही, लेकिन अब जाकर के फिर इन्होंने फाइनली ये इस पे लिखा कि सर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई आपको, और ईश्वर आपको हमेशा अपने मंतव्य में जो है आगे बढ़ाए। और ये इससे एक चीज ये होता है कि अगर आपका स्ट्रीम चेंज है, अगर आपके अंदर में लगाव है जो सोशल इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, सोशल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, समाज को समझने का नजरिया है, सोसाइटी में जो सोशल रिलेशंस हैं किस तरीके से चेंजेज आ रहे हैं, अगर इनमें अगर आपकी रुचि है तो डेफिनेटली मान के चलिए छात्रों की ये आपका काम हो सकता है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ऑनलाइन अर्पिता जी। अर्पिता जी की अगर मैं बात करूं, अर्पिता यादव जी की स्टोरी इलाहाबाद से है, लगातार बहुत मेहनत की, मतलब विश्वास नहीं होगा छात्रों, 2019 से लेकर के इन्होंने जब ये लिखा कि सर मैं फाइनली नेट क्वालिफाई हो गई, इसके पहले के इसमें मैसेज अगर मेरे पास में है तो मैं बताऊं कि अभी लास्ट टाइम जब उन्होंने क्वालिफाई किया था काफी कुछ लेकर के मेरिट गई, लगभग 60% प्लस में, और जब 60% प्लस में मेरिट जब चली जाती है तब उसके बाद में मैं कह करके रखा था कि मैडम हो सकता है लेकिन एक नंबर से इधर उधर हो भी सकता है, और वही हुआ कि एक नंबर से वो बाहर हो गई थी लास्ट टाइम। तो वो जाने के लिए इस बार तो नेट का फॉर्म ही फिल करने के लिए नहीं तैयार थी, इवन यहां तक कि जब नेट का फॉर्म फिल कर दिया तो इस बार एनटीए नेट ने क्या किया, बहुत दूर दूर तक गर्ल्स के भी सेंटर दूर दूर तक, तो वो एग्जाम देने के लिए भी नहीं, किसी तरीके से उनको प्रिपेयर किया गया कि आप एग्जाम देने के लिए जाइए, निश्चित रूप से सफल होंगी। अब चूंकि एक लंबा सफर भी था छात्रों, यानी 2019 से लेकर के लगभग 3 से 4 साल का समय हो चुका था, ठीक है ना, तो 19, 20, 21, 22 ये 4 साल का समय लगभग दे चुकी थी, और 4 साल में जब नेट नहीं हुआ था तो ये बिल्कुल मतलब इन्होंने कहा कि सर मतलब नहीं हो सकता, 2 बड़े बच्चे भी हैं इनके पास में, फैमिली, जिम्मेदारियां, सब कुछ लेकर के चलते हुए आज इस जो है भारतीय महिला ने यहाँ पर क्वालिफाई किया हुआ। अर्पिता यादव जी को मैं सलाम करता हूँ कि आज इनके पास में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए, मतलब लगातार अपनी रिपोर्ट को संडे टू संडे बीच बीच में बात करना कि सर ये पोजीशन है, इतनी चीजें तैयारी हो चुकी, ये बात है, और जब इन्होंने लिखा कि सर मेरा नेट हो गया है, आपका बहुत आभार और आशीर्वाद रहा सर मेरी नेट की जर्नी में, और 2019 से लगातार इस बार जाकर के सक्सेस हाथ में आई है। ठीक है, तो ये स्टोरी ये भी बताती है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर पर बैठी हुई हैं, पीजी की हुई हैं, लेकिन उनके पास में रास्ता बंद हो चुका है, मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा हो पाएगा कि नहीं। तो छात्रों इसका एक सीधा सीधा ये है कि आपके पास में एक 10 यूनिट का सेकंड पेपर में और 10 यूनिट का फर्स्ट पेपर के अंदर में सिलेबस है, उस सिलेबस को देखिए, ये ऐसा एग्जामिनेशन है कि 6-6 मंथ में हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप, हम ये नहीं करें कि एक बार में तुरंत, भाई बहुत कैपेबिलिटी है सब कुछ छोड़ करके, केवल आप विद्यार्थी हैं तो आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विद्यार्थी नहीं भी हैं, 4-6 साल 10 साल आपकी पढ़ाई छूटे भी है, लेकिन अगर आप लगातार इस 10 यूनिट को लगातार 3-4 बार पढ़ डालिए, ठीक है, और दोनों यूनिटों को तैयार कर डाली अच्छे से, तो नेट पास करना हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा असंभव टाइप का कार्य है, क्योंकि इस पे ऐसे लोगों ने क्वालिफाई किया है जो
अपनी पढ़ाई को मतलब पीजी किए हुए 5-6 साल हो गए थे, घर परिवार उन्होंने सजा लिया था और उसमें इतने मकबूल इतने बिजी हो गए थे कि उससे निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन इन चीजों को छोड़ करके ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और उसके बाद उन्होंने देखा कि आज ये जो है परचम हुआ। देखिए कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अभी लास्ट टाइम भी इन्होंने दिया हुआ था, इंटरव्यू वगैरह भी, छाया मैडम है। तो छाया जी ने क्या किया कि सर मेरा JRF क्वालिफाई हो गया। तो देखिए जब आप मेहनत करते हैं, जैसे NTA नेट है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने लगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप खूब अच्छे से कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि UPSSC का जो सिलेबस है वो नेट के सिलेबस से बहुत कुछ मिलता है, लगभग 80% मिल रहा है। तो अगर आपकी बेहतर तैयारी है UPSSC के अंदर में, इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, 1-2 नंबर से बाहर हो जा रहे हैं, और अगर आपके पास में एज वगैरह है तो आप उसका फायदा ये मिलेगा कि आप JRF, तो JRF हो गया। इन्होंने लिखा कि सर आपके आशीर्वाद से, थैंक यू सो मच, ये सफलता भी आपकी वजह से हुई है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब ये देखिए जो ये सब चीजें लिखते हैं, वास्तव में देखिए हम क्या कोच हैं, ठीक है, कोच का काम होता है गाइड करना, जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप उसको कितना अमल में लाते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, मैं अपने लेक्चर्स में भी बताता हूं छात्रों कि जैसे सचिन तेंदुलकर साहब हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, ग्रेगर जैन चैपल साहब थे, उनके कोच थे, ठीक है। तो बहुत सारे, अब मान लीजिए वो कोच थे, अगर वो उनको सिखा रहे थे तो अगर भाई कहीं ना कहीं उनके कोच थे तो अगर प्रैक्टिस तो उन्हीं को करना था, क्योंकि कोच सिखा रहे हैं, अगर कोच ही इतनी प्रैक्टिस करते तो कोच ही बहुत ज्यादा नाम हो जाता। लेकिन अब आप सोचिए, कोच केवल कोच होता है, वो आपको ट्रेन करता है, लेकिन जो उस कोच के बाद में मेहनत करनी होती है छात्रों, वो उस खिलाड़ी की होती है। आज इसके खिलाड़ी आप हैं, मेहनत करना, हम आपको ट्रिक बताते हैं, चीजें बता देते हैं, लेकिन करना आपको पड़ता है, ठीक है छात्रों। तो एक एक इंच पर आप कहाँ जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, क्या तैयारी करना है, कौन सी चीजें पढ़ना है, सब कुछ बताने के लिए हम एकदम तैयार रहते हैं और सारी चीज बताते भी है, जितनी हमारी समझ है वो सब कुछ आपको बताते हैं। और यही समझ का परिणाम रहा कि 200 से ज्यादा नेट विद्यार्थी यहाँ से क्वालिफाई हैं, 50 से ज्यादा JRF अब तक हो चुके हैं छात्रों। तो आप भी निश्चित रूप से हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो फाइनल मान के चलिए कि आपका यहाँ पर 100% आपको सफलता मिलना ही मिलना है, लेकिन यह है कि उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। अब आप किस लेवल के विद्यार्थी हैं, बहुत तेज विद्यार्थी हैं, औसत के हैं, मध्यम है, किस प्रकार के विद्यार्थी हैं और कितना समय लगेगा, कितना समय देना पड़ेगा आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो पूरी स्ट्रेटजी, और भारत का इकलौता ऐसा छात्र मतलब जो है ऐसा संस्थान है भाई छात्रों की, जो एक बार अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर हम आपको कभी नहीं मना करते कि आप परमानेंट के लिए हो जाते हैं, जब तक आप तब तक जब तक कि आप क्वालिफाई ना कर जाएं। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यही होता है कि लोग आते हैं, जुड़ते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता, खत्म होता, उसके बाद में चीजें जो है उनके लिए अलग। लेकिन यहाँ पर क्या हो कि उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वो फिर एक बार आ गए तो लगातार लगे रहते हैं, रेन्यू करते रहते हैं, चीजें जुड़ते रहते हैं, टेस्ट सीरीज करते रहते हैं। तो इससे क्या रहता है कि उनका फाइनली सिलेक्शन एक ना एक बार हो ही जाता है। और जब एक स्पेसिफिक टाइम रहता है कि बच्चे को 6 महीने साल भर का समय दिया गया, बाई चांस 1-2 नंबर से रुक गया, तो फिर अगर उसको फिर कोई गाइड करने वाला नहीं है, आइसोलेटेड हो गया, तो विद्यार्थियों होता क्या है वहां पे, कोई बच्चा आइसोलेटेड होकर के पुनः जो है रिजल्ट नहीं दे पाता है और होपलेस हो जाता है। तो एक चीज ये है कि यहाँ पर आपको हमेशा रिदम में बने रहने के लिए, आप हमेशा कंपटीशन में बने रहे, उसलिए सारी योजनाएं और सारी स्ट्रेटजी हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं छाया मैडम, और ये बहुत ही मतलब अच्छा अवसर है हम लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर अर्चना जी हैं, और अर्चना मैडम ने भी जो है अपना नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ये मतलब जो है प्रणाम सर, इट्स ऑल ऑफ बिकॉज यू, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि हम हैं। लेकिन ये बात सही है मैडम कि देखिए सभी लोग एक श्रेय देते हैं अपने गुरु को, और ये भारतीय परंपरा के अनुसार। लेकिन एक चीज ये है कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर में बहुत ही जो है कह लीजिए कि उनके अंदर में एक क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके अंदर में क्यूरियोसिटी होती है। तो इन्होंने क्वालिफाई पर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये कितना बेहतर और कितना अच्छा लगता है कि अर्चना जी ने जो है JRF और नेट दोनों ही क्वालिफाई किया। जब रिजल्ट आता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द JRF एज वेल एज यानी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैडम बहुत ही बधाई आपको, शुभकामनाएं। आप कहीं कोशिश करिए कि सबसे पहले आपका कहीं पर एडमिशन हो जाए अच्छी जगह से, है ना, JRF आप हैं, और ताकि आपकी PhD स्टार्ट हो जाए और आपको सरकार के माध्यम से समस्त संसाधन मिले, जिससे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बेहतर रिसर्च आप प्रस्तुत करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ में, रिसर्च में भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जितना हमको जानकारी वो समस्त जानकारियां आपके लिए सदैव तत्पर हैं। आप आगे बढ़े, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, कहीं पर शुरुआत कर दें, यही हमारी शुभकामनाएं। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं, गरिमा जी हैं,
तो जून 20 में गरिमा जी आई हुई है। यहाँ पर देखिए कि सर आपके आशीर्वाद से मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है, तो बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। ठीक है, और अब एक देखिए एक बहुत अवसर कि देखिए एमपी का फॉर्म निकला हुआ था और वो फरवरी में समाप्त हो गया था, लेकिन जैसे ही नेट निकला उसके बाद में आपने देखा कि एमपी का फॉर्म जो है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम रीओपन हो गया, तो इनको एक सूचना भी दी गई कि आप लोग जो है अब क्या करें कि फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो इनको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का जो फॉर्म निकला हुआ है अगस्त तक उसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनीता जी हैं, पुणे सुनीता शिवा जी हैं, बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैडम। और पीजीटी की भी तैयारी कर रही हैं, काफी अच्छी एस्पिरेंट रही हैं, बहुत एक नंबर से लास्ट टाइम उनका पीजीटी में रुका हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए कि नेट क्वालिफाई हो गया है और हमारे अपर इस पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बिल्कुल ये कृपा दृष्टि कहने की जरूरत नहीं मैडम, हम लोग पूर्ण रूप से आपके साथ में है, पूरी टीम आपके साथ में है और ये हमेशा प्रयास करती है कि आप सभी लोग जो है अपने बेहतर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जो आपका मतलब जो है कहिए बेहतर लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। देखिए सुनीता शिवा जी ने पीजीटी की तैयारी की थी, उनको सजेशन दिया कि जब आप केवल पीजीटी की तैयारी कर रही हैं तो पीजीटी में हो सकता है चूंकि बहुत हाई लेवल मेरिट जाती है तो उसी साथ में नेट भी रखिए। ठीक है, तो पीजीटी नेट अगर दोनों साथ साथ में रखते हैं छात्रों, होता क्या है कि अगर बाई चांस एक दो नंबर से अगर कहीं रुक जाता है तो कम से कम अगर आप नेट हो जाते हैं तो अपने जीवन यापन करने के लिए सेल्फ फाइनेंस में कहीं जाकर के अध्ययन अध्यापन का कार्य तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रज्जू सिंह जो रज्जू भैया विश्वविद्यालय उसके अंदर में निकला हुआ है एडहॉक पर, तो वहां जाकर के फॉर्म फिल करके आप कम से कम सेल्फ फाइनेंस के थ्रू जाकर के आप वहां पर अध्ययन तो अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकते हैं और आपके जीवन को चलने के लिए फिर वहां से आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो एक मार्ग खुल जाता है छात्रों। तो देखिए जो सजेशन दिया था कि पीजीटी के साथ में, आज उस सजेशन का है कि जितने भी विद्यार्थी पीजीटी देते हैं उनको पीजीटी में भी हेल्प मिलती है और साथ साथ में उनको नेट की तैयारी करनी चाहिए, जिससे होता क्या है कि उनके पास में एक आधार बन जाए। ठीक है, तो बहुत बधाई और बहुत ही खुशी हो रही है। और यहाँ पर देखिए एक है डॉक्टर वंदना, और डॉक्टर वंदना की अगर बात की जाएगी तो ये मैडम भी जो है इन्होंने किया क्या किया था कि इन्होंने क्वालिफाई करने के पश्चात जब अपना जो है क्वालिफाई किया था और उसके बाद में पीएचडी किया और उसके बाद में इनको लग रहा था कि सर हमको मेहनत करना चाहिए और नेट जो है हो जाता, मतलब ऐसी छात्रा है कि जो ऑलरेडी पीएचडी इनरोल्ड होने के बाद में फिर सोच रही थी मतलब जो है कि पीएचडी हो जाने के बाद में इन्होंने सोचा कि सर नेट होता तो हमारे जो है चार चांद लगते। तो आज उसकी देखिए सबसे बड़ी मिसाल है, एक सबसे बड़ी देन यह है कि इन्होंने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों दिया। तो ऐसा भी है छात्रों, यहाँ हम इसलिए बताना चाहते हैं कि वंदना मैम आपको बहुत सारी बधाई ढेर सारी शुभकामनाएं, आप वो प्रेरणा स्रोत हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पीएचडी हैं और पीएचडी होने के बाद उनके पास में एक ये होता है कि क्या वो जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अप्लाई किया था जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेकिन क्वालिफाई मैडम ने किया क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। ठीक है, तो जेआरएफ नहीं हुई लेकिन मैडम आप चूंकि ऑलरेडी पीएचडी हैं तो पीएचडी होने के बाद में जब आप नेट भी हो गई तो आपकी उस डिग्री में जान लीजिए कि चार चांद लग गए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारे हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोचते हैं कि कम से कम हमारा जो है क्वालिफाई हो जाए, चूंकि वो पीएचडी रहते हैं तो उनके मन में एक रहता है कि अगर नेट भी हो जाता तो एक अपने पास में एक कह लीजिए कि एक ऐसी डिग्री नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट राष्ट्रीय योग्यता राष्ट्र के उस विषय के योग्यतम व्यक्तियों में से आप हो जाते हैं। तो आज यह जो परचम आपने लगाया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं मैडम। ठीक है, तो जो वंदना कुशवाहा मैम है इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद और निश्चित रूप से अब आगे भी इनको मैंने लिख करके भेजा है कि अब आगे भी जो इन सब जिम्मेदारियों को लेते हुए अगर इन्होंने किया है तो अब आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे बढ़े। ठीक है, और सारी चीजें भी लिख करके भेजते। देखिए ममता पांडे जी हैं, देखिए यूपीएसएससी की प्रिपरेशन कर रही है ममता जी ने और ये अब इस बार भी जो है देखिए कि आपके आशीर्वाद से दोबारा नेट क्वालिफाई हो गया, यानी लास्ट टाइम भी क्वालिफाई की और पुनः जो है क्वालिफाई की, यूपीएसएससी का भी एग्जामिनेशन दे रही है। तो मैडम बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए एक चीज ये जान लीजिए कि जितने भी विद्यार्थी आप में से विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि जो लोग भी
असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह क्वालिफाई किए हैं, एक बार नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो नेट के एग्जामिनेशन को देते ही रहते हैं, ठीक है। मतलब कई विद्यार्थी ऐसे हैं क्योंकि उनका क्या रहते है, प्रैक्टिस बनी रहती है, ठीक है, और वह प्रैक्टिस कहीं ना कहीं बताती है कि उनका अध्ययन अध्यापन का कार्य बेहतर लगातार चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा छात्रों कि नेट का पेपर इतना आसान तो नहीं होता फिलहाल, ठीक है, इतना आसान तो नहीं होता, उसको क्वालिफाई करना नाको चने चबाने पड़ते हैं, और जब आपकी बेहतर स्थिति होती है तभी आपका एक लेवल जब हो जाता है उस विषय के अंदर में पकड़ बन जाती है, और फर्स्ट पेपर में आपकी समझ इतनी होती तभी आपको क्वालिफाई। तो ये बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नीलू रानी जी हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी कर रही हैं, ठीक है, और इन्होंने मैडम ने क्या किया कि जो सर मेरा जो है मेरा भी नेट क्लियर हो गया, चूंकि इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है उस पे व्हाट्सएप स्टेटस पर जब ये लगता है तो बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रकार से खुशी की बात हो जाती है, और कई विद्यार्थी तो ऐसा कहते हैं कि सर अब वो कौन सा दिन आएगा कि जब हमारा स्टेटस आप लगा करके रखेंगे कि हम क्वालिफाई हो गए। तो ये कह लीजिए कि उनके अंदर में बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये आज उसी मोटिवेशन का देखिए देन दीजिए कि पीएचडी में मतलब हुआ एक दो बार उन्होंने दिया भी नेट नहीं हुआ, लेकिन जब फाइनली जुड़ करके इन्होंने मेहनत किया तो उसके बाद उनको रिजल्ट हाथ में लगा। ये हमारे लिए समझ लीजिए बहुत ही गौरव की बात है, और साथ ही साथ में मैं बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ नीलू रानी जी को, इन्होंने पीएचडी करते करते नेट भी अपना क्वालिफाई कर लिया है, तो बहुत बधाई, और अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई करेंगी और निश्चित रूप से आप करेंगी। एमपी का जो फॉर्म निकला हुआ अन्य जो फॉर्म है उनको आप लोग भरिए और आरपीएससी का फॉर्म फिल करिए और आपको वहां भी सफलता मिलेगी। यूपीएचएससी अमित जी हैं, अमित जी तैयारी जो है कर रहे हैं, इन्होंने देखिए क्या किया हुआ है, तो अमित जी नेट क्वालिफाई होकर के यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे थे। यूपीएचएससी की तैयारी ने जो यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे थे उस तैयारी का जो है परिणाम हुआ कि जेआरएफ क्वाली होने के लिए अमित जी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी अमित जी आपको बहुत बधाई अनंत शुभकामनाएं। ये चीज है मेहनत अभी कभी आपकी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। आप नेट क्वालिफाई हो गए, कई कितने विद्यार्थियों को देखिए नेट क्वालिफाई हो गए यूपीएचएससी दे रहे हैं, सर मैं केवल यूपीएचएससी पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई आप जेआरएफ के लिए अगर एज है तो जेआरएफ भी दीजिए, क्योंकि जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये जान लीजिए कि आगे जब भी कभी प्रमोशन से लेकर कुछ भी होता है तो आपको एक अव्वल दर्जे का माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब आप सोचिए कि यूपीएचएससी की तैयारी ने इनको घोषित कर दिया कि आप जेआरएफ हो चुके हैं, तो इसका मतलब अब इनका आगे का मार्ग जो है प्रशस्त है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी क्वालिफाई होने के पूर्ण दावेदार है। मेहनत करें तो निश्चित रूप से हो सकता है, और हमारी शुभकामनाएं, होगा भी, रिजल्ट आएगा, मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जितने भी विद्यार्थी लगातार लगे हुए हैं उनको मिलेगा। तो अमित जी को पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। अब देखिए एक अशोक साई कृष्णा जी हैं, तो साई कृष्णा जो है साई कृष्णा के नाम से लिखे हुए थे, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं सर, मैं इन्होंने पूरी अपनी डिटेल लिख करके भेजी हुई है, दरअसल मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं सत सत नमन करता हूँ आपको, दिल से सल्यूट करता हूँ जो है कृष्णा साई जी को, क्योंकि कृष्णा साई जी हमारे पास में 2017 से जुड़े हुए थे, 17 से 19 तक इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट बहुत सारे वीडियो देखे, फिर अचानक से एक दिन फोन आता है बिहार के रहने वाले, फिर सर हमको भी अगर रेगुलर बेसिस पे आप ऐड कर देते तो कहीं ना कहीं सिस्टमेट 19 से लगातार ऐड हो करके छात्रों, और उसके बाद में उन्होंने मेहनत किया, इन्होंने पूरा लिखा भी हुआ है कि सारी चीजें जानकारियां लिखा है कि कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या किया है, और बहुत सारे लगभग देखिए मतलब जो है हो गए पांच साल तक जो है इसी वीडियो को देख रहा हूँ, फिर भी मुझे बोर नहीं लगता है। अब आप सोचिए 5 साल से इस वीडियो को देख रहा हूँ, लेकिन छात्रों मैं बता दूं कि जब इनका रिजल्ट आया, अभी कल मैंने लगाया कि 134 इन्होंने ऑप्टेन किया हुआ, 42 इसमें, 92 इसमें, तो बहुत सारे मतलब बच्चे की, और नीचे लिख करके आ गया कि क्वालिफाई फॉर द सिस्टम, बहुत सारे बच्चे, तो ये भाई छात्रों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। मैं सत सत नमन करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं, क्योंकि सोचिए कि ये लेक्चर्स को देख नहीं रहे थे, लेक्चर को सुन पा रहे थे, सोचिए, और लगातार 5 साल तक इन्होंने लेक्चर को सुना और बोरियत नहीं हुआ। मैं आपके जो है मेहन जो कह लीजिए कि हियरिंग कैपेसिटी है वो मैं उसका दाद देता हूं, और लोगों से कितने ऐसे विद्यार्थी जो एक बार लेक्चर को सुन लिए, दो बार कह लिए सर मैं सुन नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, आप सोचिए इतने समय तक सुन करके, और आज जब ये फाइनली क्वालिफाई किए हैं, नीचे लिख करके देखिए यहाँ पर है भी, कई विद्यार्थी घबराए हुए थे, तो विजुअली इम्पायर्ड एंड हियरिंग इम्पायर्ड और एलएम लोकोमोटिव डिसेबिलिटी,
ठीक है। तो भाई ये मैं एकदम से बिल्कुल ऐसा, मतलब ईश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले, हमारी समस्त जितनी शुभकामनाएं आशीर्वाद हैं वो आपको लगे, आप किसी बड़े पद पे पहुंचे, क्योंकि आपने 5 साल इतनी मेहनत कर करके क्वालिफाई किया है। आपके माता पिता, आपके परिजन सबको मैं जो है एक कह लीजिए कि मैं बहुत ही आपसे इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों के लिए बार बार ये कहता हूँ कि अगर कोई भी विद्यार्थी इस तरीके से मेहनत कर करके अगर वो इतने बार मतलब अगर वीडियोज को सुन सकते हैं, सर बोर नहीं होते, ठीक है, देता चाहे वो 10 बार वीडियो क्यों ना सुने, ठीक है, एक दिन में गुरुजी आप पर मतलब जो है पाए लागू जो है मधु मैम और को भी, तो ये इससे जानते हैं, मतलब एक चीज तो ये समझ में आ गया कि जो गुरु शिष्य की परंपरा, जो आपके अंदर में इंटरेस्ट है, जो जुनून है समझने का ना, वो इतना ज्यादा था कि अब मुझे पूरा विश्वास है कृष्णा साई जी कि आप एक ना एक दिन बहुत बड़ा जो है बहुत बड़े परचम को लहराएंगे, ठीक है। अब ये शुरुआत हो गई, वो नेट ही एक ऐसी चाबी होती है कि जहां पर जो है कह लीजिए कि सब लॉक रहता है, सारे मतलब जो आपके दरवाजे रहते हैं वो लॉक रहते हैं, लेकिन जैसे ये जन्नत की चाबी मिल जाती है और खुल गया और उसके बाद में अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ से आपके सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं और अब निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो ये कुछ विद्यार्थी रहे, अभी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे पास में अभी चीजें लिख करके नहीं भेजी है, बहुत लोग संकोच भी करते हैं, अब क्यों करते हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। और भाई छात्रों सबसे बड़ी चीज है कि क्या करना, कई विद्यार्थी हमारे साथ में कहते हैं, तो लास्ट में इतना बता दूं कि जितनी चीजें बताते हैं पूरे कंप्लीट यूनिट्स को ये छात्रों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उनकी अलग अलग बुके आती हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं, आप हमारे नंबर जो व्हाट्सएप नंबर उस पर आप शेयर कर देंगे 7565955583, तो मैं आपको सारी बुक्स वगैरह बता दूंगा कि फर्स्ट पेपर में कौन सी बुक पढ़नी है, सेकंड पेपर में कितनी बुकें पढ़नी है, क्योंकि ये अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग बुक्स हैं, कोई एक ऐसी बुक नहीं बनी हुई है कि एक ही स्थान से एक बुक पढ़ करके सब कुछ हो जाए, ठीक है। बाकी इन्हीं सभी बुकों का निचोड़ करके हम सारी चीजें आपको एक स्थान पर प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ में उसके टेस्ट सीरीज के माध्यम से, वीकली टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आप चाहें तो वहां का भी लाभ लेकर के कम समय, थोड़ा सा जैसे कि होता है कि समय कम लगे और आप जो है चीजों को क्वालिफाई करने के लिए तत्पर हो, अगर आप उन चीजों को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उतना नहीं समय दे पा रहे हैं, तो हम आपके लिए कलेक्ट करेंगे, सारी चीजें इकट्ठा करेंगे और आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे कि ताकि आप लगातार मेहनत करके केवल अपने इन चीजों पर फोकस करें। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। और न्यू बैच जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लोग थोड़े थोड़े नंबर से रुक गए हैं, वो लोग पुनः जो रेनुअल की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके न्यू बैच में ऐड हो जाए, ताकि अब उनको रुकना नहीं है छात्रों, क्योंकि बिना रुके हुए अब आपको केवल और केवल सफलता प्राप्त करनी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए लेक्चर में।